बारे में ना, मैं आपको इस जो आपको दिख रहा है ये चीज़ रिसाइकल रीयूज और 3 R होते हैं जो हमारे, इसके बारे में वीडियो के हेलो आखिरी सर, में आपका बहुत बहुत बताऊंगा। स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। मैं आपका होस्ट कमदोजरा खिचौली। दोस्तों, आज हम जिसका रिव्यू करने वाले हैं वो इस फूड इंडस्ट्री में बहुत ही अलग लेवल पे है, टॉप लेवल पे जिसे कह सकते हैं। यहाँ आज हम बात करेंगे मैगी के बारे में। मैगी के बारे में यहाँ दोस्तों, आज मैगी के बारे में बात करने मैंने सोचा था कि आज मैं मैगी के बारे में बात करता हूँ और आपको कुछ ऐसे ट्रुथ लेके आता हूँ जो कि आज तक किसी ने लेके आए ही नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस मैगी को मैं आटा मैगी है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। आटा मैगी, आटा वैसे लिखा हुआ है इन्होंने, आटा मैगी है, सिंपल मैगी नहीं है, आटा मैगी है। ध्यान से रखना दोस्तों, बात ये बात ध्यान में रखना। और इस नेस्ले की जो प्रोडक्ट है इसे मैं क्रिटिकली एनालाइज करने वाला हूँ, आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, और ऐसी कुछ हिडन चीजें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होगी किसी पैकेट को खरीदने से पहले। मतलब कि आपको पता लग जाएगा, आप कोई भी अगर आप सामान बाहर मार्केट से खरीदने जाते हो और आपको पता लग जाएगा कि ये चीज हमें लेनी है और ये चीज हमें नहीं लेनी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसी ऐसा आपको ना, ऐसा इस रंग का दिख रहा है आपको, इस रंग का लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस लाल कलर के बटन को दोस्तों आपको दबाना है और साथ में बेल आइकन को भी दिया हुआ है उसे भी दबाना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे और मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा वो आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को चलते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से मैं आपको क्रिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि कैसे आपको इस मैगी को लेना चाहिए और जा नहीं लेना चाहिए। तो ये दोस्तों है हमारा मैगी का आटा वेज नूडल। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी यार दोस्तों, तो एक बार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके चार साइड है। चार साइड जैसे कैसे हैं, फ्रंट साइड, दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड देखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करूंगा दोस्तों मैं। ये मत कहना कि जो मैगी लवर आए मुझे गालियां निकालते रहे कमेंट सेक्शन पे आकर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ये देखो मैगी की ब्रांडिंग लिखा हुआ उन्होंने अपने, न्यूट्रालिशियस न्यूट्रालिशियस ओके न्यूट्रालिशियस मसाला वेज आटा नूडल्स लिखी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ इन्होंने अपनी लिखी हुई हैं मात्राएं, लिखी हुई हैं कितना कितना परसेंट है, मतलब एक सर्विंग में। इसके अंदर चार पैकेट हैं दोस्तों, चार वो होते हैं ना मैगी के जो होते हैं स्पेशल पैक, आपको पता होगा चार इसमें वो पैक हैं, और जिसके 72.5 ग्राम है, जिसके अंदर आपको 314 किलो कैलोरीज मिलेंगी, फैट मिलेगा, सैचुरेटेड फैट मिलेगा, शुगर मिलेगी 2 ग्राम, और सोडियम मिलेगा आपको 803 मिलीग्राम। चलो ठीक है, और नीचे देखो अडल्ट की एवरेज बता रखी है उन्होंने कि एक अडल्ट को, अडल्ट की मतलब ये एक स्केल होता है, एक सिंपल मेल के लिए कम से कम 2000 कैलोरीज लेना जरूरी होता है दिन में, और एक वुमेन के लिए 1850 कैलोरी में भी उसका काम चल जाता है। दोस्तों ये थोड़े फैक्ट्स बने हुए हैं, मैंने नहीं बनाए, बने हुए हैं जब पहले ही, तो उसको उन्होंने एक गाइडलाइन ले रखी है, एक स्केल ले रखा है एक सिंपल अडल्ट का। और दोस्तों सबसे पहले मैगी देखोगे आप, आटा मैगी है, आटा वाली मैगी है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखती है ये वाली तस्वीर, जो बंदा इस प्रोडक्ट को खरीदेगा वो ये देखेगा कि इसके अंदर ऐसी चीज निकल के आएगी सबसे पहले, मतलब ये ऐसी भाई, ऐसा वो बंदे को मूर्ख बनाते हैं ना। देखो एक आटा न्यूडल है, इसके अंदर एक टेस्ट मेकर है बस, और उसके आगे देखो क्या लिखा है उन्होंने, सजेस्टेड गार्निशिंग, मतलब कि समझ लो अगर मेरे पास एक टायर की कंपनी है तो मैं कार थोड़ी दिखाऊंगा, मैं अपने टायर दिखाऊंगा। ये बंदे भाई सब कुछ डाल देते हैं, मटर डाले हुए हैं, ये क्या डाला हुआ, जो कैरेट डाल रखी है, पोटैटो डाल रखे हैं, पता नहीं क्या कुछ डाल रखा है, पोटैटो तो नहीं डाल रखे, मैं मूर्ति बना रहा हूँ। और देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट मेकर इनसाइड, जो कि होता ही है। ठीक है, सबसे पहले इनकी गलती आती है, ये गलत तस्वीर छापते हैं जो कि है ही नहीं, और लिखते हैं बस छोटा सा सजेस्टेड गार्निशिंग। ऐसा चीज़ आप बना सकते हो,
पर लेकिन जो चीज़ है ही नहीं इसके अंदर वो क्यों दिखाते हो ये चीज़। सिंपल सी बात है भाई, ये होना चाहिए, ये जो इसकी चीज़ हमें है ही नहीं इसके अंदर क्यों दिखा रहे हो। और इनकी एक स्पेशलाइजेशन है कि इस आटा न्यूडल में आपको 20 तरह के हर्ब्स निकलेंगे, मतलब कि जो टेस्ट मेकर के अंदर है 20 तरह के मसाले हैं उसके अंदर। चलो ठीक है, मान लेते हैं, आगे देखते हैं। बाद में इसका दूसरी साइड निकल के आता है, मतलब देखो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूट्रिलिशियस मसाला आटा, चलो जान दो वो भी ठीक है। ये उन्होंने कुछ प्रोसेस बता रखी है कैसे बना सकते हैं हम मैगी को और स्टोर करें हमें एयर टाइट में, ये भी हमें पता ही है। बाद में आता है कि इन्जॉय मैगी न्यूडल्स स्टीम ड्राइड और फ्राइड जैसे भी कर सकते हैं, एंड कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ अदर फूड्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स एंड मिल्क। देख लो भाई, नेस्ले वाले छोड़ेंगे थोड़ी अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, मतलब कि अपना प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे अंदर वेजिटेबल भी मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, मिल्क शेक भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है सॉरी। तो देख लो भाई, यही काम है। अब आती है बात कि हमें क्या देख के इस चीज़ को लेना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि दोस्तों ये है 4 पैक, मैंने आपको बताया था। प्राइस देखो इसकी 78 रुपीज़ है, मेरे को 75 रुपये की पड़ती है क्योंकि होलसेल में यहाँ पे काम है बंदे का। और यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है और इसका बैच नंबर लिखा होता है और कितने टाइम पे ये बनी है। इसके बाद आता है दोस्तों, हमने सीधा देखना है इसका ये कब एक्सपायर होती है। बेस्ट बिफोर 8 मंथ, मतलब कि 8 महीने बाद, मतलब इसकी बताऊँ मैं 2021 में इसकी एक्सपायरी डेट एक हिसाब से कर ही दूंगा मैं, तब तक तो रहना भी नहीं है जी। तो इसके 8 महीने तक ये इसे कुछ नहीं होने वाला जब तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है। तो इसके बाद बात आती करते हैं इसकी जो हमारे फिटनेस के रिलेटेड, जिन्हें फैट लॉस करना होता अपना फैट लॉस करना हो उनके रिलेटेड कुछ बात करते हैं भाई, फैट लॉस के रिलेटेड। तो भाई इनका दिख रहा है आपको, ये चीज़ दिख रही है, हाँ ये चीज़ दिस चीज़, हाँ अगर आप अच्छी तरह से, मैं आपको फोटो खींच के डाल दूंगा अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो, देखा होगा कि एनर्जी 100 ग्राम नहीं देखना दोस्तों, में इसमें 3 तरह के देखेंगे, GDA लिखा हुआ है 100 ग्राम की लिखा हुआ है और पर सर्विंग लिखा हुआ है, और हमें पर सर्विंग ही देखना है, 100 ग्राम नहीं देखना हमें, क्योंकि पर सर्विंग हम एक सर्विंग में खाते हैं, क्योंकि हम सारी 100 ग्राम नाप के नहीं कभी खाते, सर्विंग देख के खाते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, एनर्जी देखना इसकी, एनर्जी हमें मिलती है कुछ 314, प्रोटीन है आपको 5 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स दिए हैं 46 जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और साथ में टोटल फैट है 16 ग्राम, बाकी उसने पोटेशियम बता रखा है, सॉरी पोटेशियम बोल रहा हूँ, सोडियम बता रखा है 803 ग्राम। और आयरन देखो भाई, इस पैकेज में आपको शुरुआत में एक चीज़ दिखाई देगी स्पेशल, ब्रांडिंग बता रखी है उन्होंने कि टोटली गुड 20 स्पाइसेस एंड हर्ब मसाला टेस्ट, मतलब कि 20 स्पाइसेस हैं, और साथ में देखिए सोर्स ऑफ फाइबर एंड आयरन। अब आयरन देखते हैं एक सर्विंग में हमें कितना मिलता है, आयरन एक सर्विंग में आपको 2.7 ग्राम, मतलब मजाक चल रहा है क्या ये। और फाइबर देखो, फाइबर की बात कर रखी है भाई, फाइबर की बात, तो फाइबर देखो आपको 3.6 ग्राम, मजाक है भाई ये कुछ नहीं है, ये क्या एक कुछ भी नहीं देता। और मिलीग्राम है भाई ये, मिलीग्राम, ग्राम भी नहीं है, फाइबर तो ग्राम में लिखा हुआ है ठीक है, और ये मिलीग्राम में आप देख सकते हैं आयरन मिलीग्राम में लिखा हुआ है, मिलीग्राम में आपको मिल रहा है ये, हो मतलब कि इनके क्या ही कहने। अब मैं बात करता हूँ इनके कुछ लाइसेंस नंबर, लाइसेंस के नंबर के बारे में। देखो ये फसाई वालों का लाइसेंस नंबर जो कि लेना ज़रूरी होता है, बाकी इनके जो मैन्युफैक्चरर है जो कुछ इनका प्रोडक्ट बनाते हैं उनका कुछ आ जाती है, उनके लाइसेंस नंबर, ये कुछ हमें ध्यान देने की लोड़ नहीं है, बस हमें फसाई का लाइसेंस नंबर देखने की लोड़ होती है बस। तो ये फसाई भाई, फसाई फसाई होती है, मतलब इंग्रेडिएंट देखो इनके, पहला इंग्रेडिएंट है नूडल्स के लिए, दूसरा इंग्रेडिएंट है टेस्ट मेकर के लिए। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से पढ़ना है, मैं फ़ोटो खींच के डालूंगा आपको, अगर फोटो खींच में खींच के बताऊंगा कि क्या कुछ डाल रखा है। न्यूडल में देखो वीट फ्लोर आटा, आटा इन्होंने कितना डाल रखा है 85.3%, देख सकते हो। पाम ऑयल डाल रखा है, आयोनाइज्ड साल्ट डाल रखा है, थिकनर एजेंट डाल रखा है, ह्यूमेक्टेंट डाल रखा है, एसिडिटी रेगुलेटर डाल रखा है। अब बात आती है कि आटा सिंपल, अगर आप सिंपल घर पे रोटी बनाते हो ना तो आप कहो, आप ये चीज़ कहो कि हम 100% आटे की रोटी बनाते हो। इन्होंने सबसे पहले ब्रांडिंग बनाई हुई है कि हम आटा न्यूडल बना रहे हैं, उस आटा न्यूडल में भी 85% आटा और 15% इसमें मैदा है, सही बताऊँ तुम्हें चीज़।
ये कोई आटा उटा नहीं है, 85.3%, 85.3 जितना भी इन्होंने आटा लिखा, बाकी 15% इनका आपको आटा ही मिलेगा। बात करते हैं, ये देखो थिकनर एजेंट, ये सारा केमिकल है। ये अब ये थिकनर क्या होते हैं दोस्तों, जो आपको आपकी जो वो होती है स्लरी होती है, स्लरी कर स्लरी बोल रहा हूँ, जो आपकी जो तरी तुरी होती है, जो जिसे हम कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तरी बना दो इसकी, उसे थोड़ा थिक कर देते हैं, थोड़ा उसे करते हैं घना कर देते हैं इसे। और ये थिकनर के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें थोड़ी घनी कर देता है ये हमारा, मतलब कि आप समझ रहे सूप टाइप बना देता है ये चीज़ दोस्तों। ये ह्यूमेक्टेंट क्या होता है कि जैसे कि देखो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10% है, उस 10% को मेंटेन रखने के लिए हम ह्यूमेक्टेंट डालते हैं ताकि इसकी ना ही मॉइस्चर लॉस हो ना ही मॉइस्चर गेन हो। तो ह्यूमेक्टेंट ये रोल अदा करता है, पर लेकिन ये साथ में दे रखे हैं ना नंबरिंग, इस पर अगर ह्यूमेक्टेंट 441 डालोगे ना आपको केमिकल निकलेंगे, ये सारा केमिकल है। एसिडिटी रेगुलेटर ये सारा केमिकल है, सारा केमिकल, ये भी केमिकल, और एसिड रेगुलेटर मतलब कि एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए ये भी केमिकल है। अब बात करते हैं टेस्ट मेकर भाई, इन्हें इन्होंने दावा करा है कि मैं कि 20 हर्ब डाले हैं, 20 हर्ब देख लो। अब देखो कि इन्होंने कितना कुछ डाल रखा है, मिक्स स्पाइसेस, कोरिएंडर, मतलब कि सबकी कुछ कुछ क्वांटिटी बता रखी है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी क्वांटिटी बताई नहीं रखी वैसी लिख रखे हैं। अब ध्यान से देखना, क्यूमन सीड कुछ भी नहीं बता रखा, एनी सीड कुछ भी नहीं बता रखा, जिंजर डाल रखा है पता नहीं कितना डाल रखा है, ड्राई जिंजर पाउडर डाल रखा है पता नहीं कितना डाल रखा है, बाकी जिन्होंने डाले हैं ना वो सबकी परसेंटेज लिखी हुई है। देखो क्यूमन देखा कितना डाल रखा है भाई, इतना ना खा लूँ मैं, देखना कितनी मेरा बीमार ना हो जाए मामा, इतना डाल रखा है 0.3, देख रहे हो ये चीज़, मतलब मूर्ख बनाने के लिए सब कुछ इन्होंने बना रखा है ये सारी चीज़ें। देखो देखो ब्लैक पेपर, देखो ब्लैक पेपर इतना डाल रखा है भाई, कहीं मैं मर ही ना जाऊँ इतना खा के, कहीं पेट ही ना खराब हो जाए मेरा। बाकी देखो यार, देखो रिफाइंड फ्लोर मैदा टेस्ट मेकर के अंदर मैदा भी डाल रखा है, ये भाई मैदे की चीज़ है, कोई आटा उटा नहीं है इनके अंदर। ये अनियन चलो ठीक है, बाकी डाल रखा है, बाकी बात यार दोस्तों ये आती है कि ये इतना क्यों मूर्ख बनाते। ये भी देखो, ये भी देखो, ये लाइन पढ़ने वाली है भाई, मे कंटेन मिल्क एंड सोया, दूध भी है और सोया भी है। वाह वाह भाई वाह, ध्यान से पढ़ना ये लाइन, मे कंटेन मिल्क एंड सोया, क्या ही कहना है इनके। अब बात करते हैं सबसे आखिरी वाले, इस चीज के बारे में बात करूंगा, इस चीज के बारे में बात करूंगा दोस्तों, इस चीज के बारे में, आर होते हैं रिसाइकल रीयूज वाले, उसके बारे में बता रखा है, और जो साथ लिखा हो ना जिसके अंदर, दोस्तों एक फोटो दिखाता हूँ, आप ये फोटो देखिए, इस फोटो में आपको 7 तरह के प्लास्टिक नीचे लिखे हुए आ रहे होंगे, जिसमें 7 में भी लिखा हुआ अदर, सबसे आखिरी में देखना। सबसे पहले आया था हमारा कुछ PET होता है, जैसे कि पॉलीथाइलिन टेट्राफिटलेट, मतलब कि जो हमारी कोका कोला बॉटल्स होती हैं, सिंपल कोल्ड ड्रिंक्स वाली बॉटल दोस्तों, वो रिसाइकल हो सकती हैं। एक दोस्तों मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि देखो जिस पर 1, 2, 4, 5 और लिखा हो ना, वो सारी चीज़ें ना रिसाइकल होने वाली हैं। फिर से बताता हूँ, 1, 2, 4 और 5, और जो हमारे 3, 6 और 7 हैं वो कभी रिसाइकल नहीं हो पाते कभी भी। पहला हमारा है टेट्राफिथलेट वाला, पॉली इथाइलिन टेट्राफिथलेट, जो हमारी कोका कोला, वो भी रिसाइकल हो सकता है। दूसरा आता है HDPE, जो ट्रेक्सी बनती है, वो भी रिसाइकल हो सकता है। तीसरा आता है V लिखा हो उसके नीचे कला, विनाइल क्लोराइड होता है, वो कभी नहीं रिसाइकल हो सकता, रिसाइकल हो पाता। और पांच चौथा पता नहीं, चौथा आता है हमारा कुछ LDPE, वो जिसकी लाइफ भी कम से कम रिसाइकल होने के लिए 25 साल लगते हैं, जो आम पॉलीथीन होते हैं हमारे, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। उसके बाद आते हैं हमारे पॉलीस्टाइरिन, जो 6वें नंबर पे हैं भाई, वो भी नहीं हो पाते रिसाइकिल। पॉलीस्टाइरिन की बल्कि लाइफ 6वें नंबर में है, जो उसकी लाइफ ही कम से कम 100 साल होती है, 100 साल लग जाते हैं उसे रिसाइकल होने के लिए, 100 साल। और साथ में आता है कि कुछ भी डाल रखा है अदर्स, मतलब कि मिक्सचर अदर प्लास्टिक, ये चीज़ छोड़ रखी है और कोई और प्लास्टिक यूज़ करा है, और वो चीज़ कभी भी रिसाइकल नहीं होती जो ये चीज़ डालते हैं। ज़्यादातर फूड मटेरियल आप फूड इंडस्ट्री में देखेंगे ना, 7 तरह, ये 7th लेवल ऑफ प्लास्टिक यूज़ करते हैं ये, मतलब ये ऐसे ऐसे प्लास्टिक है जो कभी भी रिसाइकल नहीं हो पाते। तो
तो नीचे इन्होंने बताया भी रखा है कि ज़्यादा ये वाला प्लास्टिक आप डस्टबिन के अंदर डालें, अगर बाहर डालेंगे कभी रिसाइकल नहीं होता दोस्तों, कभी भी ज़मीन भी रिसाइकल नहीं कर पाती इसे। तो आपसे दोस्तों एक ही गुजारिश है कि आपको जहाँ पे 7 नंबर लिखे हों ये प्लास्टिक को, अगर आपको कुछ चीज़ खानी है तो पहले तो ये सारी चीज़ें देख लेना, इंग्रेडिएंट देख लेना, उनके इंग्रेडिएंट देखने के बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि प्लास्टिक कौन से लेवल का है, 7वें लेवल का है या 6वें लेवल का या 3-3 लेवल का, क्योंकि ये तीन जो तीन लेवल हैं, जो 3, 7, 6th और 7th, ये कभी भी रिसाइकल नहीं हो पाते, कभी भी रिसाइकल नहीं हो पाएंगे, ना ही इसे कोई रिसाइकल करने के लिए पिक करता है, क्योंकि एक ये वन टाइम यूज़ है दोस्तों, एक बार खा लिया बाद में इसे फेंक दो, कभी रिसाइकल नहीं हो पाएंगे। और ये देखो ये हमारे यूमैक्स पैकेजिंग, ध्यान से देखना, यूमैक्स पैकेजिंग का काम है ये सारा, यूमैक्स पैकेजिंग लिखा हो मटेरियल, इनके नीचे बैच नंबर लिखा होता है कुछ ऐसे। ये दोस्तों ये केबल ऐसे होता है कि इसी प्लास्टिक के अंदर तो डेट भी लिखी होती कब ये बने हैं, कब रिसाइकल हुए हैं, तो ये कभी रिसाइकल ही नहीं हुआ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, इतना पैसा नेस्ले वालों को दिमाग खर्च करें, बायोडिग्रेडेबल बनाए प्लास्टिक, उनमें से कोई प्लास्टिक यूज़ करें नहीं भाई, नहीं यूज़ यही करना है, ज़्यादातर फूड आइटम देखना 7 नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट से यूज़ होता है, हमेशा याद रखना दोस्तों ये चीज़ ज़रूर देखना कि 7वां, 6वां और 3रा याद रखना। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ पता लगा हो क्यों हम इस मैगी को हमें खरीदना चाहिए, क्यों इसे नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ अपने अगली वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है और इस मैगी के बारे में कि कैसे मैगी हमारे साथ धोखा करी है और क्या हमारे लिए हमें हमें हमारे लिए सही है, जो हमें गलत लगता है हम उसे गलत बोलेंगे, जो सही लगता है वो सही बोलेंगे, बेशक वो बड़ा ब्रांड क्यों ना हो। समझ रहे दोस्तों बात, स्टैंड करना चाहिए, चाहे आप गलत हो तो गलत के लिए तो नहीं, अगर आप सही हो तो बेशक बड़ा ब्रांड हो उसके लिए भी स्टैंड रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।